सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो आज हम लोग आए हुए रैपोलिक्स में, और रैपोलिक्स में आज हमारे साथ राहुल भाई जो है फिर से जुड़ चुके हैं। राहुल भाई जो है वो ज़्यादातर जाने वाने जाते हैं अपनी दाढ़ी के लिए। अगर आप लोग कभी भी यहाँ पर आ रहे हो तो आप लोगों को जो है राहुल भाई यहाँ पर पूरा असिस्टेंस देंगे। तो राहुल भाई सबसे पहले एक बार ऑडियंस को हाई हेलो कर दो और बता दो कि भैया आपका स्टोर कहाँ पर लोकेटेड है और हम क्या आज करने वाले। हेलो भैया, मेरे को नहीं, ऑडियंस को बोलो। हेलो, हमारा जो स्टोर है वो सेक्टर 23 द्वारका में है, जहाँ पर हम आज PPF करेंगे किया सेल्टोस पे 2021 पे। ठीक है, तो भैया थोड़े से कैमरा कॉन्शियस है तो हो सकता है कि हम लोग कई सारी चीज़ें वॉइस ओवर के ऊपर ले, और आसपास जहाँ पर हम लोग अभी इस लोकेशन में, इस जगह को पोचनपुर बोला जाता है, इसको एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो। ये बहुत सारे उन शौकीन लोगों के लिए जिनको अपनी गाड़ी रीपेंट, डेंट और साथ में हमारे जो भैया है वो यहाँ पर डिटेलिंग का पूरा आप लोग को जो है प्रोसेस करते हुए देखने को मिलेंगे। रैपोलिक्स का आप लोगों को बोर्ड जो है ऊपर फ्लैश होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अंदर जो वर्किंग एरिया है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आज हम करने वाले हैं 2021 की न्यू लोगो वाली किया सेल्टोस सिनेमैटिक के साथ में क्या क्या प्रोसेस होगा वो आपको दिखाएंगे। कौन सी PPF हम यूज़ करते हैं, किस ट्रीटमेंट के साथ हम लोग चलेंगे, किस तरीके के जो पैड है वो हम यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ में लास्ट में कैसे इसकी एप्लीकेशन जो है की जाती है। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। पूरा आप लोग जो वीडियो है लास्ट तक देखना, जितनी नॉलेज हो पाएगी राहुल भाई और मैं जो है आप लोगों तक पहुँचाएंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में जो है ऑन अ गो हम लोग आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप में से कई सारे लोग PPF के बारे में जानना चाहते हैं, आज PPF के बारे में नॉलेज भी दी जाएगी, और साथ ही साथ में अगर आप PPF करवाने आ रहे हो कौन कौन से पार्ट्स आपकी गाड़ी के खोले जाते हैं इसके बारे में बताएंगे। जैसे राहुल भाई, बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं जो बिना टेल लाइट हेडलाइट खोले हुए PPF करते हैं, अपने अंदर क्या अलग चीज़ है? भैया जो भी बिना PPF जो करते हैं बिना टेल लाइट हेडलाइट खोले हुए, उसकी अच्छी टकिन नहीं होती। एक तो फिनिशिंग में बहुत ज़्यादा लैक करते हैं, तो हम जो करते हैं हम सारे पैनल्स को ओपन करके PPF करते हैं, तो उसमें फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो गाइज देखो, इसमें थोड़ा सा जो मैं आप लोगों को एक चीज़ ओपिनियन बताना चाहूँगा, इंडियंस जब नई गाड़ी लेके आते हैं तो वो नहीं चाहते कि हमारी गाड़ी को सही तरीके से खोला जाए, जो कि यूजली भाई भी फेस करते हैं। लेकिन अगेन PPF करने का क्या भाई का तरीका है उसको हम लोग चेक करते हैं। सो वंश भाई जो अभी हमारे साथ कैमरे में है और हम लोग चल रहे हैं अंदर, तो यहाँ पर आप लोग जो डिटेलिंग एरिया देख रहे हो, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये हमारा पूरा डिटेलिंग एरिया है, वंश भाई इसको दिखा भी देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो गाड़ी है वो वॉशिंग होके यहाँ पर खड़ी हो चुकी है। अब इसके ऊपर जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो सब आप लोगों को देखने को मिलेगा जब हम लोग डिटेलिंग करते हैं। थोड़ा सा अगर वंश भाई इस तरफ आएंगे तो हमारा यहाँ पर एक प्रॉपर शटर यहाँ पर लगा हुआ है जिसको हम लोग बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आसपास देखो थोड़ा सा मिट्टी विट्टी आसपास में होती है, तो राहुल भाई जो है इसका ध्यान रखते हैं। राहुल भाई एक चीज़ और बताओ, जब ये शटर डाउन कर देंगे एक बार करके दिखा सकते हैं हम लोग ऑडियंस को? एक बार देख लो भाई, ऑन कैमरा में भी आपको दिखा रहा हूँ कि शटर कैसे नीचे होता है। आप इस तरफ ही रहना या बाहर जाना पड़ेगा आपको? नहीं नहीं, मुझे थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा, मैं बोल देता हूँ। ठीक है, किसी ना किसी को भाई बोल देंगे। मीनवाइल जो है मैं आप लोगों को गाड़ी दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग गाड़ी का जो है पीछे का ओवरलुक आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर गाड़ी की टेल लाइट जो है वो ओपन कर दी गई है, साथ ही साथ में जो आप लोगों का नंबर प्लेट वाला स्लॉट होता है ये ओपन हो चुका है, उसका ऊपर का जो क्रोम होता है वो भी हटा दिया गया है। यहाँ से भी आप लोगों की टेल लाइट जो है वो ओपन कर दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो गाड़ी में आप लोग देखने वाले हो, आप लोगों के डोर हैंडल्स यहाँ पर खोले गए हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे यहाँ पर भी डोर हैंडल्स है। ये आप लोगों का बेस वेरियंट गाड़ी है क्योंकि इसमें आप लोगों को साइड इंडिकेटर मिलते हैं, तो इसके साइड इंडिकेटर भी निकाल दिए गए हैं। अब अगर आप बात करोगे हेडलाइट के बारे में, हम प्रेफरेंस वाइज बोलते हैं कस्टमर को कि भाई आप चाहो तो हेडलाइट भी निकाल सकते हो, लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि आप लोगों की चॉइस कैसी है, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर किया जाता है। अगर आप हेडलाइट नहीं निकलवाना चाहो तो आप लोगों को उसकी भी एक चॉइस जो है यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इस गाड़ी के अंदर जरूर हटाना पड़ता है वो आप लोगों के साइड मिरर्स है। जैसा आप देख पा रहे हो डोर हैंडल आपने देख ही लिया है, ये जितनी बिडिंग आप लोग देख रहे हो। ठीक है, तो राहुल भाई हमारे साथ आ चुके हैं। ठीक है, पहले बिडिंग की तरफ आपने नजर मार ली, तो राहुल भाई के साथ थोड़ा कैमरा ले आओ एक बारी। भाई एक चीज बताओ ऑडियंस को, ये बिडिंग निकालने का क्यों जरूरत है, डोर हैंडल उतारने की क्यों जरूरत है, ये जो आपके इंडिकेटर्स है ये साइड मिरर से उतारने क्या फायदा होता है भाई इससे? इनका फायदा जो है भैया ये देखिए, जैसे यहाँ पर बिडिंग अगर नहीं होगी तो ये पूरा टकिन हो सकता है इसमें PPF, और PPF ऐसा नहीं लगे कि आउटकटिंग करी हुई है। ठीक है, अगर डोर हैंडल यहाँ पर होगा तो हम नीचे नहीं लगा सकते PPF सिंगल पीस में, तो हम यहाँ पर कट करके करेंगे, बट वो एक अच्छी लुक नहीं देगा, वो प्रोफेशनल लुक नहीं है। PPF यहाँ पर अंदर टकिन होती है, यहाँ पर भी अंदर टकिन करी जाती है, और ये इंडिकेटर इसलिए हटाए, अगर होता तो हमें आउट कटिंग करनी पड़ती, वो एक अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि फिर जब व्हाइट कलर की कार है जब वो आउट कटिंग होगी तो उसके एजेस पे डस्ट बैठेगी और वो बड़ा गंदा लगता है। चलो भाई, भाई ने बहुत चीज़ें बताई है। मीनवाइल अगर आप लोग पीछे की तरफ में जाओगे तो हमारा यहाँ पर शटर डाउन हो चुका है, जो कि PPF के टाइम पे एक बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। ये पूरा का पूरा अगर आप नीचे तक देखना चाहोगे ये पूरा नीचे तक बंद हो जाता है। अगेन जो डिटेलिंग स्टोर, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे देखे जो दिल्ली में चल रहे ऑलरेडी, बहुत सारे डिटेलिंग स्टोर्स आप लोगों ने देखे, तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीका है
जिससे आप लोग जितनी मिट्टी हो सके उसका कम जो है अंदर आना कर सके। आप लोगों को मैं उस तरफ भी लेके जाऊंगा, वहां पर आपको एक डोर फ्लैश होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है, जो आपका डोर है ये डोर भी क्लोज हो जाता है, तो ये जगह जो है पूरी एक एयर टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से जो मिट्टी विट्टी है वो कहीं पर भी आउट नहीं होगी। भाई का अपना रैप का भी काम है इसके ऊपर भी, जल्द एक ओनली वन इन इंडिया वाली वीडियो जो है हम लोग लेके आने वाले हैं, और साथ ही साथ में पेंट का भी सारा काम करते हैं। तो बढ़िया, बहुत बढ़िया वीडियो आज हमारे वंश भाई ने चारों तरफ से ले लिया, नीचे से देख सकते हो आप लोग, देखो भाई, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का ये कवर लग जाता है जिससे थोड़ी सी जो है बचत और चीज़ों की हो सके। और सबसे पहली चीज़, गाड़ी की वॉशिंग हो चुकी है, क्लेइंग वाला प्रोसेस भी हो चुका है, अब जो है इसके ऊपर आप लोगों को असली चीज़ देखने को मिलेगी, जिसमें आप लोगों के थोड़े से वंश इसमें पार्ट्स भी अभी खुलेंगे, या हमने वाला पार्ट शूट कर लिया था, ठीक है, वंश ने जो है पार्ट खुलने वाला पार्ट भी शूट किया था, तो वो भी आपको दिखा देंगे। और साथ साथ में जब इसके ऊपर पूरे के पूरे जो आपके टूल्स होते हैं वो चलेंगे, जब मशीन चलेगी तो उसके बारे में बताएंगे। मीनवाइल थोड़ा सा बाहर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कौन सी पीपीएफ यूज करने वाले हैं और क्या क्या टूल्स इसमें हम लोग यूज करेंगे। सो गाइज, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे एक और वर्किंग बे की तरफ। अगर आप इधर से देखना चाहोगे, मैं पहले दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, यहाँ पर हमारे पास एक गाड़ी ऑलरेडी हो रही है, दूसरी गाड़ी ये है, दिस इज आर प्रोजेक्ट कार जो कि अभी तैयार होने वाली है। एक गाड़ी यहाँ पर ये खड़ी है, एक गाड़ी वहाँ पर वो खड़ी है, एक वो खड़ी है, ऊपर बहुत सारे बंपर लगे हुए, और ये है हमारा पूरा वर्किंग बे जहाँ पर आप लोगों को वॉशिंग, डिटेलिंग और पूरा जो प्रोसेस है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादा रॉ चीज़ों के ऊपर जो है हम लोग काम करते हैं, जिसके ऊपर अगर मिट्टी का इफेक्ट थोड़ा आ भी जाए तो ज़्यादा फर्क ना पड़े। मेन चीज़ जिसके लिए मैं आप लोगों को लेके आया हूँ, तो फर्स्ट टाइम इन इंडिया जो राहुल भाई ने बोला कि इस बारी हम लोगों के सामने लेके आने वाले हैं, सो आप लोगों को जो मैं पीपीएफ आज दिखा रहा हूँ ये सेरेमिक कोटेड पीपीएफ है, ठीक है भाई। जिनको नहीं पता सेरेमिक कोटेड पीपीएफ क्या होती है, राहुल भाई के मुंह से वो बुलवा देंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा सेरेमिक कोटेड पीपीएफ का जो मतलब होता है वो होता है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं आपको वैसे बता देता हूँ, बाई चांस आप लोगों की ये नॉर्मल एक गाड़ी है जिसके ऊपर आप लोगों ने पीपीएफ नहीं चढ़वा रखा है, बाई चांस कोई स्क्रैच मार के गया या इंटेंशली आपकी गाड़ी में कुछ मार के जाता है, तो आपकी गाड़ी हार्म जो है वो हो जाती है, पीपीएफ लगाने से आपकी गाड़ी सेफ रहेगी। लेकिन अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि किसी ने चाकू डाल के पूरा चाकू रगड़ दिया और ऐसा हो जाए उससे बच जाए, तो ऐसा नहीं होगा, जो एक ह्यूमन एरर से लगती है वो चीज़ें की जा सकती है। बिल्कुल राहुल भाई, सेरेमिक कोटेड पीपीएफ क्या है? सिरेमिक कोटेड पीपीएफ भैया, जैसे सिरेमिक कोटिंग का लोगों को पता है हाइड्रोफोबिक कोटिंग होती है, ठीक है, तो पीपीएफ तो आपके पेंट को बचाती है बट पीपीएफ को भी प्रोटेक्ट करती है सिरेमिक कोटिंग, ठीक है, जो आपके सारा वाटर ड्रॉपलेट्स को पर्ल्स में बना देती है। अच्छा, बिल्कुल, जिससे आपके डस्ट भी पीपीएफ पर नहीं रुकता और काफ़ी ईजी टू मेंटेन हो जाता है। तो मैं ये चीज़ कह सकता हूँ ये अभी जो है ये ओनली वन इन इंडिया ही चल रहा है, अब इसके बाद लोग कॉपी वॉपी करना स्टार्ट कर देंगे भाई के नाम सुन के जो ऐसी चीज़ें लेके आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग यहाँ पर पीपीएफ का जो है लुक देख सकते हो। मैं चाहूँगा एक शीट आप लोग खोल के दिखाओ। और क्या पीपीएफ में कुछ ऐसा होता है कि भैया स्ट्रेंथ के लिए आपको मोटा पेपर चाहिए जो चिपकने वाला होता है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, पीपीएफ हमेशा 160 to 180 माइक्रोन्स की ही होती है, हल्की फुल्की कुछ ब्रांड इससे मोटी भी बनाते हैं थिकनेस की पीपीएफ, लेकिन इतनी पीपीएफ सही रहती है क्योंकि जब टीपीयू पीपीएफ आप यूज़ करते हैं, जो भी ब्रांड्स की पीपीएफ आप यूज़ करते हैं, वो अपने एजेस पे गाड़ी के कर्व्स पे बैठने के लिए प्रॉपर थोड़ी सी पतली होती है। ठीक है भाई, देखो ये एक अच्छी नॉलेज है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। फिलहाल के लिए अगर थोड़ा सा जब तक भाई इसको ओपन कर रहे हैं, इधर राइट में आप लोग देखो और मेरे को एक चीज़ बताना कि ये कौन सी गाड़ी हो सकती है। ये राहुल की जो है बिल्कुल स्टार्टिंग की दोस्त गाड़ी है ये, ठीक है, रेपोलिक का, इसमें आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। अब इस गाड़ी के बारे में अगर आप बात करते हो, इसकी डिज़ाइनिंग साइड से एक बार देख के बताओ, ठीक है, कौन सी गाड़ी आपको लगती है, कॉमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, बता देना। इस गाड़ी को हम लोग रैप कर रहे हैं जो कि ओनली वन इन इंडिया निकल के आएगा। अब जितने भी लोग भैया के पास कुछ काम के लिए आएंगे तो उसको खोल के मत देखना कि कौन सा कलर है, ठीक है, वैसे बता देना हम लोगों को। तो थोड़ा सा पास लेके आ जाओ, मैं यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा पीपीएफ का भी एक लुक जो है दिखा देता हूँ, ठीक है। तो भाई कुछ ऐसा है, अब आप बोलोगे कि इसको छू के बता दो कि कैसे मन में क्या हो जाएगा, तो वो आपको आके ही देखना पड़ेगा। जैसा भाई ने बताया, भाई क्या माइक्रोन रहता है फिर से बताओ? 160 to 180 माइक्रोन्स के बीच की थिकनेस होती है, 180 पूरा होता है जिसमें आपका कैप लाइनर और पूरा नीचे का रिलीज लाइनर होता है, सब कुछ इंक्लूड करके 180 माइक्रोन्स होता है। चलो भाई, ये आप लोगों का पीपीएफ का लुक है। और भाई जैसे बोलते हैं कि पीपीएफ लगाते वक्त वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है, तो एक जो पूरा रोल होता है क्या वो एक गाड़ी के ऊपर इंस्टॉल हो जाता है? जैसे ये रोल 18 मीटर्स का है, तो हर कार का स्ट्रक्चर जो वो डिफरेंट है। एक सेल्टोस जैसी कार में वही चीज़ 14 मीटर के अराउंड होता है, एक एंडेवर वही चीज़ 16-17 मीटर के अंदर होती है, एक हैचबैक जो है वो भी 12-13 मीटर्स के अराउंड होती है। चलो भाई, ये एक चीज़ और अच्छी भाई ने आप लोगों को बताई। तो जो पीपीएफ है वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। अभी तक मैंने पीपीएफ जो है लोगों को टेल लाइट, मैंने पर्सनली अपनी हेडलाइट में लगा रखी है, लेकिन अगर मैं टेल लाइट और हेडलाइट के बारे में बात करूँ, क्या आप कस्टमर को रिकमेंड करते हो? बिल्कुल, कस्टमर्स को हम रेकमेंड करते हैं हेडलैम्प टेलैम्प। हर कार की आपकी हेडलैम्प टेलैम्प पीपीएफ नहीं हो सकती, लेकिन अब सेल्टोस जैसी कार है उसकी टेलैम्प भी पीपीएफ हो सकती है और हेडलैम्प भी पीपीएफ हो सकती है। तो भाई ने आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ बताई है। ये तो बात हो गई इसकी,
तो इसी के साथ में मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, फिर सीधे हम लोग सिनेमेटिक को प्ले करेंगे। तो इसके बाद जो हम टूल्स यूज़ करते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्या चीज़ यूज़ किया जाता है, भैया कैसा कंपाउंड यूज़ कर रहे हो, नकली तो नहीं है। कई सारे लोग वैक्सपॉल गाड़ी में लगा के आपको बोल देंगे, भैया मैंने लगाया है वो उधर से USA से मंगाया था या वो मैंने जर्मनी से मंगाया था। तो प्लीज़ इन फ्रॉड से भी बच के रहो, बस बाकी जो प्रोडक्ट आपकी गाड़ी में लग रहा है यू आर मोस्ट वेलकम कि आप आओ और अपनी गाड़ी में काम होते हुए खुद देखो। गाइस जब आप लोग अपनी सेरेमिक कोटिंग कराते हो, ग्रेफिन कोटिंग कराते हो, या फिर अगर आप लोग PPF कराते हो, तो सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है आपके टूल्स का। अगेन आप लोगों के पास बहुत सारे डिटेलिंग टूल्स होते हैं जिसमें आप लोगों के ब्रशेस भी यूज़ होते हैं, लेकिन अभी हम लोग PPF के बारे में बात करें। PPF में क्या यूज़ होता है, हमारे साथ हमारे यहाँ पर एक भाई है, एक बार नाम बताइए भाई। पुनीत। तो पुनीत भाई भी आप लोगों को जो है यहाँ पर रेपोलिक्स में आप आ रहे हो तो असिस्ट करेंगे। राहुल भाई हमारे साथ ऑलरेडी है, तो मेंजन्ना के क्या चीज़ है एक बार दिखा दो जरा एक बार ऑडियंस को। भैया हमारे पास मेंजन्ना का 3500 कंपाउंड है। ठीक है, 3500 कंपाउंड है, सही से दिखा दो एक बार पूरा क्लियरली जो है ऑडियंस को दिख जाए। ठीक है, दूसरा क्या है? ये हमारे रूप्स का कोर्स पैड के लिए है। ठीक है, जैसे 400 बोलते हैं एक तरीके से, 400 इसको बोला जाता है। तो ये बेसिकली आपके कंपाउंड्स होते हैं जो अच्छे ब्रांड के होने चाहिए। ये आप कौन से और ब्रांड आता है जो जिसके हम यूज़ करते हैं? रूप्स और मेंजन्ना यूज़ होता है वाइडली। तो ठीक है, वैसे बहुत सारे जापानीज़ ब्रांड्स में है लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे कस्टमर्स आर नॉट विलिंग टू पे। चलो भाई, ये भाई ने बिल्कुल करेक्ट बात कही है। ये है हमारी वो मशीन जिससे आप लोगों की गाड़ी में जो है चमक वाला प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, ये देख लो भाई आप। ठीक है भाई, कौन सा ब्रांड है सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब ये तो हमारे जो है मेन हथियार है जिनसे हम लोग जो है कंपाउंडिंग करते हैं, जो कि आप लोगों को सिनेमेटिक के थ्रू देखने को मिलेगा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर मीनवाइल एक गाड़ी दिखाता हूँ जहाँ पर इन टूल्स का भी यूज़ जो है आप लोग कर सकते हो। और कई सारे लोग क्या होते हैं वो जो आप लोगों के इसको बेसिकली इसको ग्लॉसी ट्रीटमेंट कहा जाता है कि अपनी गाड़ी को एक चमक देने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई है जिनका मैं एक बार नाम जानना चाहूँगा भाई। कशिश। कशिश भाई हमारे साथ है, तो भाई जो है अपनी गाड़ी के ऊपर ग्लॉस ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जिसको आप बोल सकते हो एक तरीके से कि गाड़ी में चमक लाने के लिए कर रहे हैं। तो पहले किस कंडीशन में थी ये गाड़ी? पहले बहुत सारे स्वॉल मार्क्स थे, स्क्रैचेस थे। ठीक है, अब मुझे उससे ही परेशानी होती है क्योंकि लाइट में साफ दिखते हैं कि गाड़ी बहुत पुरानी हो गई, डल हो गया था पेंट काफी, तो भैया ने रिकमेंड किया। ठीक है, तो फिर करवाया मैंने। चलो भाई, भाई ने रिकमेंड किया और भाई ने इस चीज़ को कराया। एक बार मैं थोड़ा सा आप लोगों को पास से दिखाना चाहूँगा। अगर आप गाड़ी के अभी भी देखोगे, इसमें अभी प्रोसेस चल रहा है। भाई ने जो मैं चीज़ मेन देख सकता हूँ, भाई को क्रोम का तथा शौक नहीं है, लेकिन काला जो कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा लुक जो होता है वो देखो, ग्रिल देखो ब्लैक पूरी, ये पूरा आगे ब्लैक है, इसके ऊपर वाला पार्ट भी ब्लैक किया हुआ है। तो ये जो है आप लोगों का ग्लॉस ट्रीटमेंट है। एंड अगेन ये थोड़ा किफ़ायती भी होता है, पॉकेट फ्रेंडली होता है, अगर आप चाहो तो ये चीज़ करा सकते हो। मीनवाइल अगर आप इस तरफ आते हो, यहाँ पर एक गाड़ी को हम लोग रीपेंट भी कर रहे हैं, जो कि हमारी कौन सी गाड़ी है भाई, राहुल एक बार बता दो। ऑडी Q5 है। ऑडी Q5 को हम रीपेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हो पुट्टी वाला प्रोसेस और सब चीज़ें जो पूरे तरीके से भरी जाती है वो यहाँ पर है। अब देखो भाई, मेरी तरफ अगर कैमरा लेके आओगे, देखो भट्टी पेंट जो कि आपकी गाड़ी में स्टार्टिंग से होके आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, राहुल बताओ, जो जिसके अंदर गाड़ी जाती है और पेंट होती है। पेंट बूथ। पेंट बूथ होता है। ठीक है भाई, मैं देख रहा था भाई बताता है कि नहीं बताता। तो यहाँ पर हम पेंट बूथ में नहीं काम करते हैं, लेकिन पेंट बूथ में जो कॉस्टिंग आपकी हाई चली जाती है, वहीं पर अगर आप इसके कंपैरिजन करते हो तो भाई यहाँ पर आपको काम भी अच्छा मिलेगा और जो आपकी कॉस्टिंग होती है वो भी आपकी किफ़ायती हो जाती है और कहीं ना कहीं पॉकेट फ्रेंडली होती है। नो डाउट हाई रिकमेंडेशन ये होता है कि बूथ के अंदर कराओ, लेकिन बूथ के चोचले बहुत सारे होते हैं। इसके बारे में कभी एक वीडियो मैं बनाऊंगा कि भैया बूथ के अंदर भी खराब हो जाते हैं पेंट, तो इसके बारे में जो है आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे। फिलहाल के लिए आप लोग जो है सीधे सिनेमैटिक की तरफ जाने वाले हो, एंजॉय करो। वंश भैया को बोल दिया कि भैया बढ़िया से शॉट निकाल देना। इन 3, 2, 1
तो गाइस हमारा डे टू में जो है स्वागत हो चुका है, आप लोगों का भी स्वागत है। सो पीपीएफ वाला जितना प्रोसेस है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो कॉम्प्लीमेंट्री पीपीएफ के साथ रेपोलिक्स में आप लोगों को मिलती है वो है ग्लासेस पर सिरेमिक, ग्लासेस पे सिरेमिक करके देते हैं भाई। बिल्कुल फुल बॉडी। कितने टाइम चल जाता है ये मेंटेनेंस पे? ये 6 to 8 months चलता ही चलता है। तो भाई ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। इसी के साथ में अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो इस गाड़ी की जो टेल लाइट्स है वो भी पीपीएफ कर दी गई है, ठीक है। थोड़ी सी जो है आप लोगों को टेल लाइट्स में भी बबल बबल जो है वो हल्का फुल्का दिखता है, और कुछ टाइम के बाद में वाटर बबल हट जाएगा, 10 days के अंदर वो सब हट जाएगा, 5 to 10 days। बिल्कुल। चलो भाई ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो है आप लोगों की टेल लाइट्स में जो है पूरा प्रोसेस कर लिया, और अभी फिनिशिंग का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। एक बार भाई अगर हटेंगे मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों को जो है हम लोग हेडलाइट की तरफ लेके आते हैं। हेडलाइट एक बार आप चेक कर लो, हेडलाइट के ऊपर भी पीपीएफ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और टेस्टिंग के लिए हम लोगों को गाड़ी बाहर लेके जानी है, क्योंकि बाहर ही जो है आप लोगों को आउटपुट अच्छा मिलेगा। सिरेमिक की हम दिखाएंगे कितना रिपेल कर रहे हैं वाटर एंड डस्ट, ठीक है। और इसी के साथ में जिनकी ये गाड़ी है एक बार ही राहुल भाई आप ये माइक पकड़ लो, भैया के पास भी जाओ और भैया से ज़रा फीडबैक लो कि कैसा काम हुआ है कैसा नहीं हुआ है। एक बार भैया के पास चल के आप ज़रा फीडबैक लो, एक बार आप फीडबैक देंगे आपको कैसा लगा पीपीएफ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भाई? अगर बिल्कुल अच्छे तरीके से ले तो पूरा अच्छा फीडबैक होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ रेपोलिक्स के बारे में आपको कैसे पता चला? तो भाई मुसाफिर की वीडियो देखी थी भाई, आपकी वीडियो देख देख के तो यहाँ पहुँचे, तो आपकी वीडियो में देखा था भाई का काम यहाँ पर पहुँचे। बस ये कहूँगा कि थोड़ा सा टाइम लेके आओ, टाइम लगता है थोड़ा बहुत, बट एवन काम है। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी गाड़ी में जो है पीपीएफ की जा रही है सेरेमिक वाली, क्या आपको इसके बारे में पता है? हाँ भाई, भाई ने पहले ही बताया था, ब्रीफ किया था जब जिस दिन लेके आया था कि क्या क्या करने वाले, तो वो बोले थे कॉम्प्लीमेंट्री सारा का सेरेमिक मिलेगा और पीपीएफ मिलेगी। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। और जो जो लोग भी हमारे पास यहाँ पर आते हैं, जो हमारी सेरेमिक वाली पीपीएफ है वो आप लोगों की गाड़ी में अब से लगनी स्टार्ट हो जाएगी। और अभी जो काम वाला प्रोसेस है पूरा है वो सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं है? बिल्कुल भाई एवन है। मज़ा आया? हाँ भाई। चलो भाई, भाई का फीडबैक मिल गया, सीधे हम लोग जो है अब चलेंगे बाहर की तरफ। हमने सब शीशों में लगा दिया भाई। जी भैया। क्या लगाया शीशों में? सिरेमिक कोटिंग करी है शीशों पर। सिरेमिक कोटिंग कर दी है तो चमक आ गई कि नहीं? बिल्कुल आई है भैया। तो भाई बाहर चल रहे हैं, पानी की बोतलों से आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कैसा रिपेल आता है। सो लेट्स डू इट। सो गाइस सिरेमिक कोटिंग का जो पूरा असर दिखाने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर अभी पानी भर रहे हैं। 20 लीटर की पानी की बोतल थी नहीं थी, आधी थी, ठीक है। और ये हमने तैयार किया, लो पकड़ो एक बारी, ठीक है भाई। और अभी भाई अभी और जरूरत पड़ेगी पानी की, हाथ में रख लो इसको, ले आओ ले आओ, ठीक है। और यहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पर राहुल भाई खड़े हुए हैं, राहुल भाई के हाथों में 2 बोतलें हैं, एक है तांबे की और एक है प्लास्टिक की, मिक्स बॉटल्स। आज हम लोग रिव्यू करेंगे, हम लोग ऑलरेडी टेस्टिंग कर चुके थे लेकिन तब रिकॉर्ड नहीं हुई आवाज़। हमारे साथ भाई भी यहीं पर है, तो सबसे पहले हम लोग शीशे से स्टार्ट करेंगे। भैया ने जो है फ्री 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 वाली जो है सेरेमिक मिली है भैया को शीशे में, तो इसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं एक बार। राहुल भाई एक बार ऑडियंस को दिखाते हैं, ठीक है। 3 2 1 डालो, ठीक है भाई। तो पास से दिखा दूँ, ये दिख रही बस ड्रॉपलेट है। चलो फिर से एक बार डालो, ठीक है भाई। अब जिनकी ये गाड़ी है वो इसका रिव्यू ज़्यादा अच्छी तरीके से दे पाएंगे। भाई एक बार आओ और इसके ऊपर ज़रा फूंक मार के हमारा हैप्पी बर्थडे करो, एक बार दिखाओ। देखो भाई इसको मारो, तो भाई कुछ रुक रहा है, वो भी आवाज़ से निकल जाएंगे भाई, मस्त एकदम, मज़ा आ रहा है। चलो भाई तो फिर पैसा वसूल हो गया, वैसे पैसा खर्च नहीं करा इस पर, ठीक है भाई। देखो भाई, तो भाई राहुल भाई ने पूरा मेरे को नहला दिया, तो आप लोग जो है ये चीज़ देख पा रहे होंगे ड्रॉपलेट वाली, यहाँ तो सब कुछ खत्म हो गया। और इसमें भी अगर आप देखोगे सब चीज़ें जो है ड्रॉपलेट बन चुकी है। पीछे वाले शीशे में चलो भाई और अपना तांबे का पानी की बोतल ऑन करो, यहाँ देख रहे हो आप ड्रॉपलेट है, ये हम लोग पहले टेस्टिंग कर रहे थे। ओ भाई राहुल भाई थोड़ा प्यार से डालो यार, तुम तो पूरी स्पीड से डाल रहे हो मेरे, ये देखो मेरे जूतों के ऊपर पानी डाल रहे हो यार तुम, आराम से डालो, तो प्यार से डालते हैं। तो मेन मुद्दा ये है भाई चीज़ें दिखानी है, और इधर रेपोलिक्स का भाई ने स्टिकर भी लगा दिया, ठीक है। तो भाई आ जाओ, फूंक मारने हैप्पी बर्थडे आप ही मनाओगे। डालो भाई फिर से पानी भाई के सामने पहले, ठीक है। आइए सर फूंक मार के ज़रा बताइए, बढ़िया है? आप कहाँ से आए हो पहले तो ये बताओ लोगों को। भाई नोएडा 77। नोएडा से भाई पीपीएफ करवाने जो है वो रेपोलिक्स आए द्वारका में, तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में आके कैसा लग रहा है भैया? बहुत बढ़िया। इधर मौसम कैसा है? देख के तो भाई बढ़िया लग रहा है, वर्त हो गया अब। वर्त है वैसे मौसम, और कैसा लग रहा है इलाका? बढ़िया भाई, खाली है थोड़ा, हमारे यहाँ तो भीड़ रहती है बहुत। तो भैया से बात करो एक प्लॉट भी दिला देंगे आपको, ठीक है। तो एक बार जो है पीपीएफ में भी टेस्ट करवा देते हैं, ठीक है। सेरेमिक वाली जो पीपीएफ है, देखो भाई दिखाओ भाई फिर से, और कितना जस्टिस हो पा रहा है, ठीक है भाई। अब भाई बड़े वाली बोतल ले आओ, जो चीज़ 20 लीटर से हो पाएगी वो किसी चीज़ से नहीं हो पाएगी,
ठीक है, तो वहाँ से 20 लीटर का भी लेके आया जा रहा है। ऐसी सेरेमिक कोटिंग का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं चेक कराता, हम करवाएंगे ये भी। ठीक है भाई, थोड़ा दूर से डालो पानी आप, ऐसा मतलब इसे छूटे ना आपके हाथ से कि वह शीशे के ऊपर भी चले जाए और पूरा चले जाए। एक बार दिखा दो एक बार ऑडियंस को, देखो भाई यहाँ तो डाल दिया, एक बार शीशे के ऊपर और अच्छी तरीके से जरा देखो भाई। ठीक है भाई, ड्रॉपलेट बन गई है, सक्सेस है, बिल्कुल है, सक्सेस है भाई, बिल्कुल है भाई। तो भाई अब वीडियो जो है एंड करने का वक्त आ चुका है। आज ये जितना भी काम आपने होते हुए देखा है वो हुआ है, कहाँ पर हुआ है काम? रैपोलिक्स। कहाँ पर है ये स्टोर? द्वारका, सेक्टर 21, सेक्टर 21 या 23 में, 23 में, तो क्लोज इनफ। ठीक है, और अगर आप में से कोई भी आ रहा है तो भाई आप लोगों को अगर चीपेस्ट पीपीएफ करवानी है, चीपेस्ट का मतलब सस्ती का बहुत सारे मतलब निकालते थे लोग, तो चीपेस्ट का मतलब ये कि अगर आपको हाँ प्राइस में अगर आपको चीपेस्ट चाहिए तो भाई आप लोगों को असिस्टेंस मिलेगा। भाई भैया की गाड़ी का जो पीपीएफ आपने किया है ये कितने साल की, आप इनको क्या गारंटी वारंटी देते हो? ये 4 इयर्स की वारंटी है, सिरेमिक कोटेड पीपीएफ है। ठीक है, जिसमें आप 4 इयर्स तक जो भी अगर कुछ होता है बबलिंग एंड क्रैकिंग की, वो वारंटी हमारी तरफ से, और एडहेसिव की हमारी वारंटी है। कल को आप पील ऑफ भी करते हैं अगर, तो तब भी आपके ओरिजिनल पेंट को कभी हार्म नहीं करेगी। ऑन कैमरा आ गया भाई। ठीक है भाई, सब कुछ चीज़ें भाई के सामने हैं, और बाकी आई होप कि आप लोगों ने जो है ये वीडियो ज़रूर जो है एंजॉय करी होगी। अगर आपने इस पॉइंट तक इस वीडियो को देखा तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करके जाना। नोएडा में अगर भैया की गाड़ी को कभी भी देख रहे हो, अभी टेम्प्रेरी नंबर है, वैसे अगर भैया को कभी देखते हो, बढ़िया से बाल है भैया के, एक बार दिखाओ भैया पीछे से पूरा, एक बार दिखा दो। ठीक है, पूरा स्टाइलिश है भाई हमारा भाई। ठीक है, और अगर कभी भी आप भैया से मिल रहे हो तो उनको ज़रूर बताना कि आपको हमने वीडियो में देखा था। बाकी कॉस्टिंग के बारे में अगर बात करते हैं, एक सस्ती से सस्ती पीपीएफ, सस्ती मतलब चीप इन प्राइस वाली बात करेंगे और गुड इन क्वालिटी में बात करते हो, कितने रुपए से स्टार्ट हो जाता है? के लिए हम 3 इयर्स की जो वारंटी का पैकेज है उसमें 35,000 से हमारी चीपेस्ट स्टार्ट होती है, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कहीं पर भी नहीं है, और इंस्टॉलेशन में भी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ है, हर जगह टक इन करी जाएगी। ठीक है भाई, एक बार ये मास्क हटाना भाई, और भाई एक बार भाई की अब ये लास्ट में ये चीज़ बचती है, एक बार दाढ़ी वाड़ी चेक कर लो। ठीक है भाई, कोई रिश्ता रिश्ता हो तो वही बता देना। ठीक है, चलो भाई इसी के साथ में गाइस आज जो है हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। रैपोलिक्स में जो है ये सारा काम हुआ, अगर आप में से कोई भी रैपोलिक्स में काम कराना चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिया गया है, भैया के नंबर फ्लैश हो रहे हैं, जरूर इस चीज़ का पार्ट बनो। हम भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए हर वीडियो को जो है कवर कर सके। हम लोगों ने सेरेमिक के ऊपर ही वीडियो बना दी, पीपीएफ के ऊपर ही बना दी, और ये सेरेमिक पीपीएफ जो है भाई लेके आया, तो कुछ ना कुछ नेक्स्ट लेवल जो है वो चीज़ होगी। सो सब कुछ एंजॉयमेंट है। इंस्टाग्राम मुसाफिर 1811, आपके पेज का नाम क्या है इंस्टाग्राम? WRAPAHOLIX। सही स्पेलिंग बोलिए ना, बिल्कुल। चलो भाई ठीक, एक बार फिर से बोलो भाई, WRAPAHOLIX। ठीक है भाई, चलो भाई रैपोलिक्स, और इंस्टाग्राम में मुसाफिर 1811, और फेसबुक में मुसाफिर स्क्वाड। सो विद दिस सेड गाइस करते हैं आज के इस वीडियो को एंड, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड, एक बार ऐसे कर दो बाय बाय, बाय बाय कर दो, बाय तीसरे भाई, बाय बाय भाई।